एवरीवन, माय नेम इज रितिका। वेलकम बैक टू AGTV, दैट इज एग्रीकल्चर ट्यूटोरियल वीडियोस। आज की वीडियो में हम देखेंगे कौन कौन से रोग हैं, कौन कौन सी डिसीजेज हैं जो धान की फसल को नुकसान पहुंचाती हैं, और उनका प्रबंधन, उनका मैनेजमेंट देखेंगे। पिछली वीडियो भी मैंने डाली थी जो धान के बारे में थी, उसके इंसेक्ट पेस्ट कवर किए थे, उसके मैनेजमेंट कवर किए थे मैंने। तो लिंक आपको या तो लास्ट में एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। कुछ और भी डिसीजेज कवर किए हैं, इंसेक्ट पेस्ट कवर किए हैं मैंने कॉटन के, चिली के और सोयाबीन के, तो वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो चलिए क्विक रिव्यू ले लेते हैं जो डिसीजेज हैं पैडी में। ब्लास्ट, फॉल्स स्मार्ट डिसीजेज, शीत ब्लाइट, ब्राउन स्पॉट डिसीजेज, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, ये सभी को डिटेल में कवर करूँगी, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डिसीज़ है राइस ब्लास्ट। राइस ब्लास्ट की वजह से आपको पूरे प्लांट में लीजन्स दिखाई देंगे, स्पॉट जिसे बोलते हैं, स्पॉट्स दिखाई देने लगते हैं। इनकी वजह से रूट भी इफेक्ट होती है। एक स्टडी में देखा गया है कि रूट्स भी इनकी वजह से इन्फेक्ट होती हैं। लीव्स, कॉलर लीव्स, क्लम नोट्स, नेक, पेनिकल, पौधे का हर एक भाग जो होता है मोस्टली इफेक्ट होता है राइस ब्लास्ट की वजह से। और राइस ब्लास्ट के जो स्पॉट्स होते हैं, जिन्हें हम लीजन्स बोलते हैं, धब्बे बोलते हैं, वो वेरी करते हैं कि आपने कौन सी वैरायटी लगाई है धान की। तो आप जैसी भी वैरायटी लगाते हैं उस पर डिपेंड करता है कि जो स्पॉट हैं वो कैसे होंगे। इसके मैनेजमेंट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं टेबुकोनाजोल 50% के साथ ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन 25% WG, या फिर ट्राइसाइक्लोजोल यूज़ कर सकते हैं 75% WP में, आइसोप्रोथियोलेन यूज़ कर सकते हैं 40% EC में। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है फॉल्स स्मार्ट डिसीजेज। फॉल्स स्मार्ट डिसीजेज जो होते हैं उसमें जो सिंगल धान होता है, जो सिंगल राइस का ग्रेन होता है, उसमें आपको मास दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, किसी चीज़ का डिपोजिशन होता है, गुच्छा बन रहा है, वो उसको बोलते हैं स्पोर बॉल्स। और जो स्पोर बॉल्स हैं आपको स्टार्टिंग में ऑरेंज कलर के दिखेंगे या बहुत ही गाढ़े पीले कलर के दिखेंगे, और जैसे ही सीवियर आपको दिखने लगेगा, सीवियर अटैक हो रहा है, उसमें आपको ग्रीनिश ब्लैक कलर के वो दिखने लगेंगे। इसकी कुछ ही भाग, इसकी वजह से जो फॉल्स स्मार्ट डिसीजेज होती हैं, इसकी वजह से कुछ ही धान सिर्फ इफेक्ट होती है, बाकी इफेक्टेड नहीं होती हैं, पूरा पौधा इफेक्ट नहीं होता इसकी वजह से। इसकी मैनेजमेंट में आप हेक्साकोनाजोल 5% SC यूज़ कर सकते हैं, या फिर प्रोपिकोनाजोल 25% EC यूज़ कर सकते हैं, या फिर टेबुकोनाजोल 10% के साथ सल्फर 65% WG का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है शीत ब्लाइट। शीत ब्लाइट की वजह से आपको ऐसा लगेगा जैसे स्टेम रॉट या स्टेम बोरर के इन्फेस्टेशन की वजह से आपको पौधे पे सिम्टम्स दिखाई देते हैं, वैसा ही सेम सिम्टम आपको शीत ब्लाइट की वजह से भी दिखाई दे सकते हैं। ये मोस्टली उस स्टेज को इफेक्ट करती है जो स्टेज टिलरिंग और हेड स्टेज मानी जाती है पौधे की, उस स्टेज में इसका ज़्यादा प्रकोप आपको दिखाई देगा। और इनकी वजह से जब सीवियर इन्फेक्शन होता है तो इसकी वजह से जो लोअर पेनिकल होते हैं उनमें जो ग्रेन फिलिंग होती है, धान की जो फिलिंग होती है, वो आपको अच्छे से नहीं दिखाई देगी। इसके मैनेजमेंट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं टेबुकोनाजोल 10% के साथ सल्फर 65% WG, और टेबुकोनाजोल 50% के साथ ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन 25% WG, और सिंगल हेक्साकोनाजोल 5% SC का यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं। नेक्स्ट है ब्राउन स्पॉट डिसीजेज। ब्राउन स्पॉट को सेसमे लीव स्पॉट या हेलमिंथोस्पोरियोज या फंगल ब्लाइट के नाम से भी जाना जाता है। इनिशियली आपको पत्तियों पे या स्टेम पे ऐसा लगेगा कि जो स्पॉट हैं वो ब्राउन या डार्क ब्राउन कलर के आपको दिखाई देंगे, और सीवियर इन्फेक्शन होगा तो पूरा पौधा या पूरा पत्ती में लीजन जो होते हैं स्पॉट, वो पूरे फैल जाते हैं। इसके मैनेजमेंट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं कार्बेंडाजिम 12% के साथ मैनकोजेब 63% WP, या फिर कीटाजिन 48% EC का यूज़ कर सकते हैं, या फिर टेबुकोनाजोल 10% के साथ सल्फर 65% WG का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट में मैंने हर वीडियो में भी आपको बताया है कि वाटर सोक्ड लीजन्स आपको स्पॉट्स दिखाई देने लगते हैं। ये हमेशा जो यंग प्लांट होंगे उनमें दिखाई देंगे। आपने ट्रांसप्लांटिंग की है राइस की, 1 से 3 वीक सप्ताह के हो गए हैं, तब आपको दिखाई दे सकते हैं। ग्रीन कलर के वाटर सोक्ड लेयर दिखाई देने लगती है, पत्तियां विल्टिंग, ऐसा लगेगा कि मुरझा सी गई हैं, मुड़ गई हैं, ग्रे कलर की हो गई हैं, ग्रे से ग्रीन हो गई हैं, ग्रीन से येलो हो जाती हैं, ये सारे सिम्टम्स हैं। इसके मैनेजमेंट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, मैंने हमेशा बताया है, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो आप एंटीबायोटिक ज़रूर यूज़ करें, तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन यूज़ कर सकते हैं, या फिर फंगीसाइड के साथ कॉम्बिनेशन में एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हैं, जैसे कासुगामाइसिन एंड कॉपर ऑक्सीड क्लोराइड, या फिर स्यूडोमोनाइस इन्फ्लोरेसेंस का यूज़ कर सकते हैं आप।
तो ये थे कुछ मेजर डिसीजेज जो धान की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं और उनका मैनेजमेंट मैंने बताया। नेक्स्ट वीडियो क्या मैं डालूंगी वो आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट में मुझे आप बता सकते हैं, आपको कौन सी वीडियो चाहिए है तो मैं उसके हिसाब से बना पाऊंगी। फिलहाल आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।